हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो पार्ट नंबर रहेगा 9। इससे पहले जो वीडियो पार्ट में था उसमें हमने फेयर्स के बारे में डिस्कस किया, जितने भी झारखंड में जो मेले होते हैं, और उसके साथ एडिशन में हमने जो त्यौहार हैं वो डिस्कस किए थे, जो कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर पर स्टेट पीसीएस से और यूपीएससी से जो पेड कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जो एस्पिरेंट पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाते वो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री जो टेस्ट सीरीज मिलती रहती हैं। इससे पहले फेयर फेस्टिवल, ट्राइब्स, बहुत सारी चीज़ें हमने की, जो प्रीवियस वीडियो पार्ट है, जिन्हों जो भी अभी ये 9th वीडियो पार्ट, जो नए व्यूअर हैं अगर इसको शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वहाँ वीडियो पार्ट नंबर 1 देखिए। आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, टूरिज्म। आप सबको पता है पर्यटन क्या होता है। आप सबका मन में भी, जो व्यूवर्स हैं इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जो भी झारखंड की ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबके मन में एक ये तो होगा कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे यूरोप जाना है, मुझे पेरिस जाना है। तो आप जो भी स्थल पर जाते हैं, जो भी डेस्टिनेशन पर आप जाते हैं, तो आप वहाँ कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो जो ये पैसा खर्च करते हैं, आपका जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं आप, तो आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है वह उस कंट्री की इकोनॉमी को जाता है, तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर टूरिज्म सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा, अभी हम देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कितने लोगों को जॉब यहाँ पर मिल रही है, और इस तरह से वो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ झारखंड स्टेट की भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है पर्यटन। जैसे एग्जाम्पल, मैं रिसेंट एग्जाम्पल आप सबको देना चाहूँगा, करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक बंद किया हुआ था, अभी रिसेंट में उसको खोला गया। तो अब जो भी वहाँ पर जाता है, बशर्ते आप इंडियंस होने के बेसिस पर, सिख कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिलीफ है, आस्था है वहाँ पर। दूसरा ये है कि कोई भी इंडियंस जा सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म में वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह से टूरिज्म जो है उस कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो भी इंडियंस जाता है, पासपोर्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे $20 जो है डिमांड करती है। $20 आप सबको पहले देने पड़ते हैं इंटर होने से पहले, फिर आप विजिट कर सकते हैं। तो जो आप $20 दे रहे हैं, तो उस $20 का जो है, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो टूरिज्म आप इससे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, इतना उदाहरण दे के भी आप इससे समझ सकते हैं कि पर्यटन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये चीज़ें हैं प्रीलिम्स में, आगे तो डिस्कस करेंगे ही कि मेंस का जो आंसर है आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आप सबको देखना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टूरिज्म इज एन एसेंशियल एंड एक्सप्रेशन ऑफ ए नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। यानी कि पर्यटन जो है, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप अनुभव लेते हैं, आपका मनोरंजन उससे होता है। द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर टूरिज्म इंक्लूड सोशल, रिलीजियस, बिजनेस इंटरेस्ट। अब कोई एक व्यक्ति है, वो पर्यटन स्थल पर क्यों जाता है, उसके कोई सोशल कॉज हो सकते हैं, सामाजिक कॉज हो सकते हैं, उसको किसी दूसरे जगह पर लोग कैसे रहते हैं वो देखना पसंद होगा, या कोई धार्मिक हो सकता है। जैसे करतारपुर कॉरिडोर, आपका करतारपुर कॉरिडोर एक धार्मिक आस्था है, बिलीफ है, उस बेसिस पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बिजनेस इंटरेस्ट भी होता है, बहुत सारी बिजनेस मीटिंग भी होती है, इस तरह से टूरिज्म में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई लोग नॉलेज गेन करने के लिए भी जाते हैं, ज्ञान की खोज शामिल है टूरिज्म के लिए, ठीक है। आगे तो इस तरह से आप एक अपना मेंस का आंसर, जो इंट्रोडक्शन है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आपको डिटेल में बताना जा रहे हैं। आगे, द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिना आर वाइड रेंजिंग एंड कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब जैसा मैंने बोला, जो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में जाता है, जो भी आप स्पेंड करते हो, उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, वही इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है इसके टूरिज्म के, जो कि एक विकास प्रोसेस करता है, यानी कि विकसित करता है किसी देश को। अगर इकोनॉमी मजबूत होगी तो वह देश उतना ही विकासशील रहेगा। टूरिज्म कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू रिकॉन्साइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक तरह से आर्थिक जो विकास है किसी देश का, उस पर कंट्रीब्यूशन देता है पर्यटन।
एलिविएट पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी यानी कि होता है गरीबी, गरीबी को दूर करना बाई क्रिएटिंग रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए बहुत ज़्यादा टूरिज्म होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और जो लोग वहाँ पर आते हैं वो भी स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ बढ़ेंगी, इकोनॉमिक सोर्सेज बढ़ेंगे जिससे कि वहाँ की गरीबी दूर होगी। कुछ इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन मेंस का लिख सकते हैं। उसके साथ साथ इतनी सारी चीज़ें होने के साथ साथ आप फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी कमाते हैं, यानी कि देखिए फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादातर डॉलर के फॉर्म में होता है। अब इंडिया को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम तेल जो है जो दूसरी कंट्री है उनसे तेल जो है फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन रुपीज़ होती हैं, फॉरेन करेंसीज होती हैं, उनके उसमें खरीदते हैं, यानी कि डॉलर जब होते हैं हमारे पास तब हम तेल खरीद पाते हैं, क्योंकि डॉलर जो है एक एक्सेप्टेड करेंसी रहती है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हम कभी कमाते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में भी आप जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर में, आपसे $20 लिए जा रहे हैं, एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज कमा रही है वो गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा, सरकार के रेवेन्यू में ये कंट्रीब्यूशन करता है, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट तो करता ही है एक अंडर डेवलप्ड एरियाज में। अब देखिए आप टूरिस्ट प्लेस है, अगर आप उस चीज़ को अच्छा बनाएंगे, आप करतारपुर कॉरिडोर जो है आप देखेंगे कि कितना अच्छा काम कर रहा है इंडिया के साइड से भी, पाकिस्तान के साइड से भी। तो जो अंडर डेवलप्ड एरियाज था जहाँ पर अभी तक उतना अच्छा कार्य नहीं हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, बिल्डिंगें उतनी अच्छी नहीं बनाई गई थी, सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं बनाया गया था, उस पर वहाँ की सरकार काम करती है जिससे कि वो अंडर डेवलप्ड एरिया भी विकसित हो रहा है, डेवलप्ड होता है धीरे धीरे, ठीक है, वहाँ तक रोड पहुँचाई जाती है। तो इतना ज़्यादा फायदा होता है अगर किसी पर्यटन स्थल को डेवलप करते हैं। तो इसके साथ साथ वहाँ पर अंडर डेवलप्ड को डेवलप तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये जनरेट करता है बहुत सारी इनकम, ये जनरेट करता है बहुत सारी नौकरियाँ, देयर बाय रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर एक तो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर वहाँ के आसपास रहने वाले निवासी हैं, स्टेक होल्डर पूरी जो देश है, जिस देश है उस देश की जनता है पूरी स्टेक होल्डर। क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ता है इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो जो महंगाई है वह भी कम हो सकती है, महंगाई कम होगी यानी कि जॉब सबके पास लगेगी, सबकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो महंगाई का तो अभी इन्फ्लेशन का बेसिस पर हम ऐसे डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते, महंगाई वाला कैंसिल कीजिए, आप ये समझ लीजिए कि जो भी स्टेक होल्डर हैं भारत की जो जनता है अगर यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी तो सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, यानी कि जिस हिसाब से वो पिछड़े इलाके में रहते थे वो डेवलप्ड होगा एरिया और ज़्यादा उनकी जीवन जीने की शैली जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। उनके अच्छे जो हॉस्पिटल पे जा सकते हैं, अच्छे स्कूल पे वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, इसे कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है। इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं महंगाई को भी कम कर सकता है, जो भी चीज़ उस पर्सन को महंगा लगता था अब उतनी ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो वो चीज़ उसको सस्ता लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन एक इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट फैक्टर इसका हो सकता है। आगे, टूरिज्म इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो टूरिज्म है पर्यटन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। विश्वव्यापी पर्यटकों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज कर रही है और यह उम्मीद है कि यह संख्या 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन तक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ये, अगर आप ये जो फिगर है उसको अपने आंसर मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हो जाता है। तो अब ये आशा की जा रही है कि 1.5 बिलियन तक विश्व की जो जनता है पूरे वर्ल्ड की वो कंट्रीब्यूट करेगी इतना ज़्यादा पर्यटन, ठीक है, टूरिज्म। आगे अब कुछ स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में। टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं 11% तक पूरे वर्ल्ड का वर्कफोर्स और 10.2% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, जो घरेलू उत्पाद है उसका 10.2% और पूरे वर्ल्ड की वर्कफोर्स का 11% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वर्कफोर्स यानी कि आप सबको पता है जो भी काम करते हैं ज़्यादातर वर्कफोर्स 16 से 59 या 15 से 59, हर कंट्री का अलग होता है, इंडिया में 15 से 59 तक वर्कफोर्स हमें देखने को मिल जाती है। तो पूरे वर्ल्ड का 11% टूरिज्म आपको देखने को मिला है, ठीक है। द डायनेमिक ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट न्यू जॉब इज एडेड टू दिस सेक्टर एवरी 2.5 सेकेंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए अभी तक क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है जो 11% की पूरी वर्कफोर्स ये कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि पूरे विश्व में 11% लोग किस इंडस्ट्री में जो है उनको जॉब लगी है वो है टूरिज्म सेक्टर। और आप इस फैक्ट से भी कर सकते हैं कि
हर एक 2.5 सेकेंड में एक पर्सन को यहाँ पर जॉब मिल जाती है और जॉब क्रिएट होती है या जॉब ऐड होती है पूरे विश्व में, ठीक है? ये तो पूरा विश्व का डाटा। अब द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रमोशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो स्टेट में, जो झारखंड स्टेट भी है, पूरी एक स्टेट को अगर पूरे वर्ल्ड के बेसिस पर देखें, इंडिया एक स्टेट की तरह काम करेगा। ये तभी बढ़ता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं कि आइए हमारे स्टेट में आइए। जैसे अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, राजस्थान का ऐड करते हैं, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का ये ऐड करते हैं। यानी कि एक तरह से प्रमोशन किया जा रहा है कि हाँ, हमारे स्टेट में विजिट कीजिए, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाइए, ठीक है? अब इतना सब तो आपको मैंने कंटेंट दे दिया इंट्रोडक्शन के लिए कि किस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अब हम मेन स्पेसिफिक झारखंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि झारखंड में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब हम कुछ फैक्ट के बेसिस पर प्रिलिम्स कवर भी करेंगे, ओके? नाउ द वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ झारखंड कैन बी क्लासिफाई अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। आप झारखंड में कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हो सकते हैं। सबसे पहला है धार्मिक पर्यटक, यानी कि रिलीजियस टूरिस्ट आ सकते हैं, और रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। वाटरफॉल है, हिल स्टेशन है, सी लेवल से जो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं हिल स्टेशन, मसूरी है जैसे, वाटर स्पॉट, और आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल प्लेसेस, जिनकी जो ऐतिहासिक जो बिलीफ है, जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वो भी झारखंड में आपको देखने को मिलते हैं। सभी को ये पांच कैटेगरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिलिम्स का क्वेश्चन किसी में भी बन सकता है, ठीक है? तो उसके पहले एक चीज़ डिस्कस करने से पहले, रिलीजियस और पिलग्रिमेज, जो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से झारखंड में जो टूरिस्ट आते हैं। ये डाटा 2012 का दिया गया है। झारखंड रिसीव 1.974% शेयर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट एंड 0.15% ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। 2012 का डाटा दिया गया है। अब ये डाटा इंक्रीज हुआ है। इसके बेसिस पर, इस डाटा के बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, यानी कि झारखंड से जो आसपास के लोग हैं, जैसे उत्तराखंड के, हिमाचल के, केरल, तमिलनाडु, ऐसे जो टूरिस्ट हैं वो हैं 1.974%, उनका शेयर इतना है। बाकी जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, यानी कि जो दूसरे कंट्री से आते हैं, उनका शेयर कितना है, 0.15%, यानी कि 0.15% विदेशी पर्यटकों की यात्रा मिली थी, ठीक है? आगे, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड 22nd इन फॉरेन टूरिस्ट विजिट। देखिए पूरे उसमें फॉरेन विजिट कितने लोग करते हैं, उसके बेसिस पर झारखंड का 22वां स्थान है। कौन सा? 22वां, यानी कि आप स्टेट को अगर देखेंगे 28 स्टेट्स में, 22वां स्थान किसका है, झारखंड का है, ठीक है? तो इस बेसिस पर आपको ये प्रिलिम्स में तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये मेंस में डायरेक्ट आप इसके बेसिस पर अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है पिलग्रिमेज एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म इन झारखंड। जो पहली कैटेगरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पर कुछ धार्मिक पर्यटक स्थल जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है भद्रकाली टेम्पल। इट इज़ ए वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस। इट कम्स इन टू वन ऑफ द शक्तिपीठ, एक शक्तिपीठ में से ये इसको कंसिडर किया जाता है, और ये धार्मिक स्थल है, ठीक है? एक शक्तिपीठ में से ये कंसिडर किया जाता है। अभी बहुत सारे जो टेम्पल हैं जिनको शक्तिपीठ की तरह कंसिडर किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये एक धार्मिक प्लेस है। इट इज़ लोकेटेड 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम इतखोरी ब्लॉक भादुली विलेज। कौन सा गांव है? भादुली गांव है, और 1.5 किलोमीटर दूर इतखोरी ब्लॉक में है। इट इज़ सिचुएटेड एट चतारा चौपरन पाथ, ठीक है? ये चतारा के चौपरन पाथ में स्थित है। तो ये भद्रकाली टेम्पल आपको याद रखना है, और आप दूसरे स्टेट के भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी भद्रकाली टेम्पल विजिट कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ पर है ये? चतारा में। इट हैज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर स्टैच्यू स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन द शाक गुप्ता और वर्धान पीरियड। देखिए 1500 से लेके 1800 जब शताब्दी चल रही थी, जो साल चल रहा था, तो इस दौरान, अभी इसको क्या बोल सकते हो, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग बोल सकते हो,
ठीक है, इसको तो 1500 से 1800 का, यानी क्या होता है 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में, साक गुप्त और वर्धान पीरियड के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया था। ब्लैक कलर का स्टैचू यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि कब मिला, एक्सकवेशन के दौरान, जब खुदाई करते हैं ना आर्कोलॉजिस्ट, जब खुदाई करते हैं तब भद्रकाली टेम्पल में ये ब्लैक कलर का, बहुत बड़े काले कलर का स्टैचू देखने को मिला था। टुडे इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉली प्लेसेज एज वेल एज टूरिस्ट प्लेस ऑफ हिंदूज एंड अदर। तो यहाँ जब ये खुदाई में मिला था, तो जिस स्थान से ये मिला था उस स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु तो आते ही हैं, उसके साथ साथ जो पर्यटक हैं, घरेलू पर्यटक और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला हमने भद्रकाली टेम्पल देख लिया, वो है चतारा में, और उससे जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको डिस्कस बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे डायरेक्ट इससे कॉन्टेक्ट आपके माइंड में ज़्यादा इमेज क्रिएट होगी और ज़्यादा आप इसे समझ पाएंगे। दूसरा है अंग्रबारी या अमरेश्वर धाम, ठीक है, अंग्रबारी या अमरेश्वर धाम, आप इसको इंग्लिश में ही रिफ़र करना, जो हिंदी है हिंदी है, हिंदी के बेसिस पर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेन पहले आप इंग्लिश वर्ड को रिफ़र करना, वही जो प्रोनाउंस कर सकते हो, यही इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, यही सही स्पेलिंग है, ठीक है, बाकी हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। आगे, बाबा अमरेश्वर धाम इज लोकेटेड एट अंग्राबाड़ी विच इज़ अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम खुंती, 10 किलोमीटर दूर ये पड़ता है अंग्राबाड़ी में और झारखंड के। बाबा अमरेश्वर इज़ पॉपुलर एज ए विश फुलफिलिंग डाइटी। अब आप सबको पता है, बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु हैं वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ मैं इस मंदिर में जाता हूँ, इस धार्मिक स्थल पर जाता हूँ, इस रिलीजियस प्लेस में जाता हूँ, तो ये भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर देते हैं। तो बाबा अमरेश्वर भी ऐसे ही माने जाते हैं। अगर कोई टूरिस्ट, बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी ऐसे आते हैं कि उनने सुना हो रहता है कि हाँ ये जो आप विश करते हैं वो पूरी करते हैं, तो विश फुलफिलिंग डाइटी हैं, लॉट्स ऑफ डिवोटीज अराइव एट द टेम्पल टू गेट देयर विश फुलफिल्ड। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना को पूरी कराने, ठीक है, उनका ये भी मानना है कि इनकी मनोकामना जो है पूरी होगी। उसके बाद द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा, शिवजी भगवान को डेडिकेट है। द शिवलिंग वर्शिप्ड इन द टेम्पल इज स्वयंभू, ठीक है, अब जो शिवलिंग है वो उसे स्वयंभू बोला जाता है, ठीक है, स्वयंभू बोला जाता है उस टेम्पल में, और उसकी ही पूजा की जाती है, ठीक है। आगे अंग्रबारी के बारे में ये लिखा गया है कि द डाइटी वर्शिप्ड इन द टेम्पल इज नॉन एज बाबा अमरेश्वर बिकॉज द शिवलिंग वर्शिप्ड इन द टेम्पल इज नियर ए मैंगो ट्री, ठीक है, अमरेश्वर टाइप का कुछ है ये, और जो शिवलिंग है वो एक मैंगो ट्री के बगल में भी है। सो देयर इज नो रूफ अबव द मेन शिवलिंग इन द टेम्पल, जो भी जहाँ पर भी शिव का लिंग रखा हुआ है वहाँ पर कोई रूफ नहीं है, ऐसी छत नहीं है, ठीक है, तो वो खुले ओपन स्पेस में रखा गया है, ठीक है। और ये भी आप सबको ट्रिक तो क्या है, लोगों का मानना है कि मैंगो ट्री के बगल में है, इसलिए भी इसे आमरेश्वर बाबा बोला करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो धाम है, जो रिलीजियस प्लेस है झारखंड में, वह है त्रिकुटी धाम। इट इज़ सिचुएटेड 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम देवगढ़, देवगढ़ से 13 किलोमीटर दूर है, ऑन द वे टू दुमका, और वो दुमका में, ठीक है, तो आप मान सकते हो ये दुमका में है बोलोगे, ना कि देवगढ़ में, ठीक है, तो 13 किलोमीटर दूर है देवगढ़ के और दुमका में, दुमका जाने वाले रास्ते में, यानी कि दुमका में स्थित है। देयर आर थ्री मेन पीक्स ऑन द हिल विच इज वाई इट इज कॉल्ड त्रिकुटचल। देखो त्रिकुटी धाम इसलिए बोला गया है, त्रि या ट्राई आप इंग्लिश में बोलोगे तो यहाँ पर तीन हिल हैं, कितनी हिल हैं, तीन हिल हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ दिस हिल इज 2470, एक जो हिल की हाइट है वो 750 मीटर है, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2740 फीट तक है, ठीक है। यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर आपको देखने को मिल जाता है, जिसे त्रिकुटचा बोला जाता है, और महादेव टेम्पल, ठीक है, इट इज़ द माउथ ऑफ रिवर मयूराक्षी, ठीक है, और रिवर मयूराक्षी का जो माउथ है, या आप कह सकते हैं जो त्रिकुटी धाम की जो हिल स्टेशन है, या हिल है, हिल स्टेशन भी बनाया जाता है उसको,
बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। तो जो वहाँ पर पहाड़ी है उसके जो आसपास कौन सी नदी है, मयूराक्षी, कौन सी नदी है, मयूराक्षी नदी है। ओके, आगे, ऑन द टॉप ऑफ थ्री हिल्स सिचुएटेड हियर पॉपुलरली नोन एज त्रिकुटी, मैनी ए सेज यानी कि ऋषि अटेंड साल्वेशन। और बहुत सारे जो ऋषियों को माना जाता है कि इन तीन जो पहाड़ियां हैं उनमें मोक्ष प्राप्त हुआ। द हिल कंजेस्टेड ऑफ ह्यूज बोल्डर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। ऑन द राइट इट इज ए स्मॉल टेम्पल वेयर पार्वती इज वर्शिप्ड, इसके राइट स्थान पे पार्वती को पूजा जाता है। क्लोज टू हर लाइज ए शिवलिंग, उनके पास में एक शिवलिंग है। पीपल फ्लो हियर फ्रॉम फार एंड वाइड ड्यूरिंग शिवरात्रि, शिवरात्रि के दौरान, जब भी शिवरात्रि आती है तो इस दौरान दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको मेन चीज क्या याद रखना है, त्रिकुटी धाम और तीन हिल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ। और दुमका में है ये, कहाँ पर है, दुमका यानी कि देवगढ़ से 13 किलोमीटर दूर, और किस रास्ते में पड़ता है, दुमका में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिलीजियस प्लेस है बसुकीनाथ धाम। ठीक है, इसके बारे में क्या जानना है वो देखते हैं। बसुकीनाथ इज लोकेटेड इन दुमका डिस्ट्रिक्ट, ये भी कौन से जिले में है, दुमका जिले में है। इट लाइज ऑन द देवगढ़ दुमका स्टेट हाईवे, जैसा अभी हमने पढ़ा त्रिकुटी के बारे में कि ये 13 किलोमीटर दूर है और दुमका के रास्ते में पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, तो हम इसको कहाँ कंसिडर करेंगे, दुमका में। तो बसुकीनाथ जो धाम है वो भी दुमका में पड़ता है, और देवगढ़ और दुमका के स्टेट हाईवे में, एंड इज अराउंड 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ दुमका। और ये कितनी दूर पड़ता है, दुमका के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, 25 किलोमीटर दूर, ठीक है, करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह है। ओके, आगे, इट इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज, ज़्यादातर यहाँ पर हिंदू श्रद्धालु आते हैं, और मेन अट्रैक्शन यही है इस जगह का, बासुकीनाथ टेम्पल है। बासुकीनाथ धाम धाम में क्या है, बासुकीनाथ मंदिर है। इन एयर लैक्स एंड लैक्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री कम हेयर टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। अब देखिए, ये क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कि बहुत सारे हमने रिलीजियस जो प्लेसेस देख रहे हैं उसमें डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि इस जगह पर किस भगवान की पूजा की जाती है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में झारखंड ने जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है, भगवान किसकी वर्शिप की जाती है, लॉर्ड शिवा की। इन द मंथ ऑफ श्रावण पीपल ऑफ सेवरल कंट्री ऑल्सो केम हियर टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, और श्रावण के महीने में देश के जितने भी श्रद्धालु हैं इस जगह पर आना पसंद करते हैं, और अपनी जो आस्था है उसमें उस बेसिस पे यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट है महादेव शल, और ये कहाँ है, सरंदा। द फेमस टेम्पल ऑफ महादेव शल इज लोकेटेड इन द गोलकेरा डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर पे है ये महादेव शल। ठीक है, यहाँ भी लॉर्ड शिवा को पूजा जाता है, और ये भी माना जाता है भारत आर्य स्थापत्य शैली का एक बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ बनाया गया है, यानी कि किस आर्किटेक्चर स्टाइल में इस मंदिर को बनाया है, ये है इंडो आर्यन, इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसे भारत आर्य स्थापत्य शैली बोला जाता है, इस स्टाइल में आपको यहाँ के मंदिर देखने को मिलते हैं, और यही जो मंदिर है इसको बाद में महादेव शाल बोला गया, तो इस बेसिस पे आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो भी ये छोटे छोटे की पॉइंट है ना कि कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में कौन से जो मंदिर को बनाया गया है, ये इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल में महादेव साल को बनाया गया है, बाद में इसको महादेव साल बोला गया। इन द मंथ ऑफ श्रावण एवरी ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द प्लेस फ्रॉम एवरी नूक ऑफ द कंट्री टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, श्रावण के माह में पर्यटक देश विदेश से आते हैं और यहाँ पर वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं भगवान शिव की। ठीक है, नेक्स्ट है मागिरी राजेश्वरी टेम्पल। द टेम्पल ऑफ मागिरी राजेश्वरी इज लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम किरीबुरु इन सरंदा। ठीक है, ये भी कहाँ से, सरंदा में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, महादेवशाल भी सरंदा में पड़ता है,
मागिरी राजेश्वरी टेम्पल भी कहाँ पड़ता है? सरंदा में पड़ता है, जो कि 10 किलोमीटर दूर है। आपको कौन कौन सी चीज़ें, देखिए इसको पहले मैं बताने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी झारखंड PSC के लिए झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की सोसाइटी, झारखंड का कल्चर बना रहे हैं प्री और मेंस के बेसिस पर, वो पेड कोर्सेज वालों को तो पूरी PDF मिलती ही मिलती है। जो जिनके पास जो पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप क्या कीजिए, एक नई कॉपी बनाइए झारखंड की, जिसने पहले से नहीं बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी सिर्फ 8 पार्ट हुए हैं, ये 9वां पार्ट है, आप सिर्फ कॉपी उठाइए और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए शॉर्ट में। अब इतना पूरा तो नहीं लिखेंगे ना कि द टेम्पल ऑफ मागिरी राजेश्वरी लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम किरीबुरी, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। मागिरी राजेश्वरी टेम्पल लिखेंगे, डैश करके किरीबुरी सरंदा लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ये है ना। और ये क्या बोलेंगे कि ये भी इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। तो इतना छोटा, जो ये इतना बड़ा आप सबको देखने को मिल रहा है, वो एक लाइन में हो जाएगा। तो किरीबुरी सरंदा और डैश करके ये लिख दोगे कि इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बनाया गया है, बहुत सिंपल है। तो इस बेसिस पर आपको बनाने हैं अपने नोट्स, जो कि रिवीजन में भी बहुत आसान होंगे और फर्दर आप मेंस में अच्छा अटेम्प्ट भी कर पाओगे, ठीक है? ओके, तो ये भी फेमस टेम्पल है क्योंकि ये भी इंडो आर्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल से ही बना है। ए लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज विजिट द दिस प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्र व्हेन द साइट विटनेस स्पेशल फेस्टिविटी। अब नवरात्रि के दौरान, ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि किस दौरान होता है, कोई श्रावण के दौरान होता है, कोई नवरात्रि में आ रहा है, कोई शिवरात्रि में आ रहा है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और फेस्टिविटी जो स्पेशल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो है पिलग्रिमेज कुलबोंगा महादेव। कुलबोंगा महादेव इज लोकेटेड अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम मनोहरपुर सरंदा। आप सबको कौन कौन सी जगह पढ़ रहा है ये चीज़ आपको याद रखनी है, कहाँ पर है? सरंदा में, ठीक है? कहाँ? मनोहरपुर, मनोहरपुर सरंदा। एक्चुअली इट इज़ वेरी बिग शिवलिंग इन द विलेज कुलबोंगा एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ फेमस एज कुलबोंगा महादेव। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा शिवलिंग रखा गया है। किस गांव में? कुलबोंगा गांव में। कहाँ पर? सरंदा में, और मनोहरपुर से 15 किलोमीटर दूर है, और इसी को इसलिए कुलबोंगा महादेव बोला गया। क्या बोला गया? कुलबोंगा महादेव। तो सिंपल सी बात है, अगर महादेव कभी भी आता है तो महादेव, देवों के देव महादेव, लॉर्ड शिव, भगवान शिव को बोला जाता है। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज विजिट दिस प्लेस टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। जैसा मैंने बोला अभी, ए स्पेशल फेयर इज ऑर्गेनाइज हियर ड्यूरिंग शिवरात्रि। और शिवरात्रि के दौरान तो यहाँ पर एक जो मेला है वो भी जो है लगाया जाता है कुलबोंगा महादेव में। ओके, नेक्स्ट है द सन टेम्पल। आप सन टेम्पल विजिट कर सकते हैं, सूर्य मंदिर, अगर झारखंड जाते हैं तो, क्योंकि ये झारखंड की कैपिटल रांची में है। इज लोकेटेड ऑन द टाटा रोड नियर बुंदू, बुंदू के पास पड़ता है। वे सर्व एज द वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द सिटी इन द झारखंड। देखिए रांची में आप विजिट करते हैं तो आप सन टेम्पल विजिट कर सकते हैं, सन टेम्पल देखने को आपको मिल सकता है। द सन टेम्पल इज वेरी मच ए न्यूली बिल्ट मोनूमेंट इन झारखंड। अब अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल से बन रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा 100-200 साल पुराने बने हैं। बट नई जो सन टेम्पल है, बहुत नया बिल्डिंग है, अगर झारखंड की हिस्ट्री में देखें, इट इज़ बिल्ड अराउंड द सेक्रेट पॉन्ड, एक जो पवित्र पॉन्ड है, छोटा सा पॉन्ड आप जिसे कह सकते हैं, उसके अराउंड बना हुआ है ये टेम्पल, ठीक है? एक बीच में ये पॉन्ड होगा, छोटा सा हल्का सा तालाब, और उसके आसपास ये टेम्पल, इस मंदिर को बनाया गया है। ओके, और सबसे अगर न्यूली बिल्ट किसे कहें तो वो सन टेम्पल ही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल हैज बिन डिजाइंड विद एलिजेंस। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज द शेप ऑफ बिग चैरियट विद द 18 व्हील। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिजाइन के बेसिस पर बनाया गया है, यहाँ पर एक बड़ा रथ भी है देखने को मिलता है, विथ 18 व्हील्स, 18 पहिए हैं, एंड 7 लाइफ लाइक हॉर्सेज, और घोड़े भी आपको देखने को यहाँ पर बने हुए मिल जाएंगे इस सन टेम्पल में। 18 18 क्या हैं? पहिए हैं, और 7 जो हैं घोड़े देखने को मिलेंगे, जिनको आपको देखने को ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो जीवित घोड़े लग रहे हैं, दैट सीन्स टू बी रेडी टू टेक ऑफ फॉर द जर्नी। और ऐसा लगता है उन घोड़ों को देख के कि यस, कि आप उनको देखते ही आप सोचेंगे कि यस कोई राजा है, अभी ये अपने जर्नी में निकल पड़ेंगे, जो भ्रमण करने चल देंगे जंगल को, ठीक है?
तो बहुत ज़्यादा सन टेम्पल की एक खूबसूरत बात यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट डिज़ाइन से ये बनाया गया है। बिग चौरेट बड़ा रथ है, 18 व्हील हैं और बहुत सारे घोड़े आप सबको देखने को मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये घोड़े जो बनाए गए हैं, कलाकृति जो है, जीवित लगते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, 18 व्हील वहाँ पर हैं, 9 जो व्हील हैं एक साइड में हैं, 9 व्हील दूसरे साइड में हैं, एंड 7 लाइफ लाइक हॉर्सेज इन द मॉडल ऑफ रेडी टू टेक ऑफ, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज शक्तिपीठ माँ चंचला देवी टेम्पल। शक्तिपीठ माँ चंचला देवी मंदिर, द ब्यूटिफुल टेम्पल ऑफ माँ चंचला देवी सिचुएटेड अबव ए हिल क्लोज टू कोडरमा। कहाँ है? कोडरमा गिरदी हाईवे, अराउंड 33 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है, कोडरमा गिरदी हाईवे में पड़ता है। ठीक है, कोडरमा यहाँ पर ये रख कर देते हैं, कोडरमा गिरदी हाईवे में के बीच में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये पड़ता है, शक्तिपीठ माँ चंचला देवी टेम्पल। ठीक है, आगे पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिए कौन कौन से जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं आगे प्रसाद और द होली फूड यूज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ राइस। चावल से बनाया जाता है यहाँ पर प्रसाद। वीमेन हु विजिट द टेम्पल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डनिंग द रेड वर्मिलॉन और सिंदूल एज इट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलता है चंचला देवी मंदिर में, यहाँ पर जो प्रसाद बनाया जाता है वो चावल से तो बनाया जाता है, उसके साथ यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रथा क्या कहें कि यहाँ पर विमेन जो भी विजिट करती हैं उनको ये प्रोहिबिट है, ये मनाही है कि जो महिलाएं हैं वो बिना सिंदूर लगाए आएँ। प्रोहिबिटेड फ्रॉम डनिंग द रेड वर्मिलॉन और सिंदूर एज इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, मंदिर में आने वाली महिलाओं को लाल सिंदूर या सिंदूर धारण करने की मनाही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रथा है वहाँ के लोगों की, पुरानी परंपरा। आगे इसी टेम्पल चंचला देवी माता के बारे में ज़्यादा जानते हैं, द डाइटी वर्शिप्ड हियर इज इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता की यहाँ पर पूजा की जाती है। अभी तक हमने जितने भी देखे ये लॉर्ड शिवा, शिवलिंग हम देख रहे हैं, महादेव हमने पढ़ लिया, बट माँ चंचला देवी की बात करें तो यहाँ पर गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड 400 फीट अबव द सी लेवल, 400 फीट ऊपर है सी लेवल के। क्लोज टू द टेम्पल इज अ केव दैट हाउसेज मैनी केव पेंटिंग ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस। बहुत सारी गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं और उस गुफा में बहुत सारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वहाँ पर निवास किया करते थे पहले भी। ठीक है, और सी लेवल से कितने दूर है, 400 फीट ऊपर है, और गॉडेस दुर्गा की यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, आगे द डिवोटीज टू द टेम्पल बिलीव इन टेकिंग ए रिचुअल बाथ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल प्रीमाइसेस। हालांकि ये आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट अगर हम डिटेल में कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, माँ चंचला देवी के बारे में आपको और जानने को मिलेगा, झारखंड के आप हैं तो और ज़्यादा रुचि होगी, और दूसरा आपकी जो मेमोरी पावर है, जो आप इमेज बना के चल रहे हैं, और ज़्यादा होगा। अगर कोई यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर नहाना पड़ता है। इट इज़ बिलीव्ड इफ वन ऑफ द एंटर टेम्पल विदाउट टेकिंग ए बाथ इज पनिश्ड बाई डाइटी बाई गेटिंग बिटन बाई इंसेक्ट। और यहाँ पर एक क्या आस्था है, यहाँ पर क्या माना जाता है कि आपको रिचुअल बाथ लेना पड़ेगा अगर टेम्पल आप एंटर कर रहे हैं, उसके प्रिमाइस में एंटर कर रहे हैं, तो उससे पहले आप नहा के आइए, रिचुअल बाथ आपको लेना पड़ेगा वहीं से। आगे यह भी माना जाता है कि अगर कोई जो मंदिर में बिना रिचुअल बाथ के, बिना नहाए जो है अंदर जाता है, तो डाइटी जो है उसको पनिश करेंगी, उनको दंडित करेंगी बाय गेटिंग बिटन बाय इंसेक्ट, यानी कि अगर आपको कोई कीड़ा काट सकता है बाद में, तो ये भी माना जाता है कि बहुत सारे लोग अगर जो रिचुअल बाथ नहीं लेंगे तो इंसेक्ट उनको काट सकता है। द टेम्पल इज गैदरिंग प्लेस फॉर मैरिज एंड अदर हिंदू रिचुअल्स दैट आर जनरली सोलमनाइज बिफोर द गॉडेस। अब इस टेम्पल में, माँ चंचला देवी के टेम्पल में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विवाह कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जाता है। हिंदू श्रद्धालु माँ चंचला देवी टेम्पल में बहुत ज़्यादा उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो आप भी अगर विजिट करना चाहें तो डायरेक्ट मंदिर में बिना रिचुअल बात के एंटर मत करना, क्योंकि आपको भी कोई कीड़ा काट सकता है, ये उनकी आस्था है, और आस्था अगर आप धार्मिक भी हैं तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, एज ए कल्चर, उनके कल्चर को जानने के लिए, उनकी जो परंपरा है उससे जुड़ने के लिए आपको ये करना चाहिए। आगे नेक्स्ट जो टेम्पल है, रिचुअल प्लेस है, वो है रजरप्पा टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? रजरप्पा टेम्पल। रजरप्पा टेम्पल
अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम रांची ऑन रामगढ़ चित्रपुर रोड। रजरप्पा इज ए शक्ति पीठ, ये भी एक शक्ति पीठ है। सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में ये पड़ता है, दामोदर और भैरवी, ठीक है, जिसे भैरा भी बोला जाता है, भैरा नदी, ठीक है। तो दामोदर और भैरवी नदी के कॉन्फ्लुएंस के बीच में ये मंदिर पड़ता है, रांची से 80 किलोमीटर दूर है, ये वन ऑफ द शक्तिपीठ इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आगे द चिन्नमस्तिका टेम्पल इज ए फेमस एंड ए पॉपुलर प्लेस ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज। द टेम्पल इज वेरी ओल्ड एंड इट इज आर्किटेक्चर डिजाइन इज सेम एज दैट ऑफ अदर टेम्पल ऑफ तांत्रिक इंपोर्टेंस, ठीक है। तो दूसरा जो टेम्पल है वो है चिन्नमस्तिका टेम्पल, और हिंदू पिलग्रिमेज की बहुत ज़्यादा आस्था है यहाँ पर, पुराने आर्किटेक्चरल डिजाइन से बना है और इसका इम्पोर्टेंट तांत्रिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसका महत्व करता है, ठीक है। आगे द डाइटी ऑफ चिन्नमस्ता और द गॉडेस काली इज वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल। चिन्नमस्ता जो उसमें गॉडेस काली की यहाँ पर पूजा की जाती है, हेयर गॉडेस काली इज ऑल्सो नोन एज प्रचंड चंडी, यहाँ पर गॉडेस काली को प्रचंड चंडी भी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम द टेम्पल ऑफ चिन्नमस्ता एट रजरप्पा देयर इज ऑल्सो ए टेम्पल ऑफ डीटीज लाइक दक्षिण काली और अस्तमत्रिका, ठीक है। रजरप्पा के साथ साथ चिन्नमस्ता टेम्पल के साथ साथ और दूसरे भी यहाँ पर मंदिर आप सबको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर पूजा की जाती है दक्षिण काली की, अस्तमत्रिका की, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल है नौलखा टेम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से देखिए कितना फैसिनेटिंग नाम लग रहा है, नौलखा, मुझे नौलखा मांगा दे ओ सैया दीवारें, कुछ ऐसा सॉन्ग भी है, बट इसके पीछे नौलखा नाम की नेम जो सजेस्ट है वो क्या है, देखिए नौलखा टेम्पल इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ देवगढ़। नौलखा टेम्पल कौन से ज़िले में है, देवगढ़ में है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है मेन टाउन से। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल रिजेंबल्स टू दैट ऑफ रामकृष्णन मठ बेलूर कोलकाता। जो आर्किटेक्चर है, जो स्टाइल है, जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जिस शैली से इसको बनाया गया है, वो सिमिलर है, लगभग लगभग सेम है रामकृष्णन मठ बेलूर जो कि कोलकाता में है। और द टेम्पल हैज़ ब्यूटिफुल आइडल्स ऑफ राधा एंड कृष्णा रेंजिंग अबाउट 146 फीट इन हाइट, और बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं राधा की, कृष्ण भगवान की, 146 फीट ऊँची हाइट तक, ठीक है। तो नौलखा टेम्पल, अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और जान लेते हैं। द टेम्पल हैज़ एन अनयूजुअल हिस्ट्री टू टेल, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ए डोनेशन ऑफ ₹9 लाख। अब देखिए जो नौलखा टेम्पल है ये 9 लाख रुपये जब कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जा रहे थे, डोनेशन के लिए दिए जा रहे थे, तब उस 9 लाख से बना है, जैसे कि हेंस द नेम नौलखा, 9 लाख, ये देखिए 9 लाख, 9 लाख का डोनेशन मिला तब ये टेम्पल बनाया गया, इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। अब किसने बनाया है ये ज़्यादा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाय क्वीन चौरुशीला ऑफ पठूरिया घाट किंग फैमिली फ्रॉम कोलकाता। तो यहाँ इन जो क्वीन है चौरुशीला ऑफ पठारिया घाट की, जो पठारिया घाट की क्वीन चौरुशीला ने इन्हें बनाया, या चारुशीला आप कह सकते हैं इसे, चौरुशीला नहीं चारुशीला, क्या CHARUSHILA, चारुशीला, ठीक है। तो रानी का नाम क्या है, चारुशीला, पठारिया घाट किंग की रानी है, किंग्स फैमिली कोलकाता की है। इट इज सेड दैट द क्वीन लेफ्ट हर होम, रानी ने अपना घर छोड़ा, ग्रेव्ड बाय द अनटाइमली डेथ्स ऑफ हर हस्बैंड अक्षय घोष एंड सन जतिंदर घोष। अब क्या हुआ, उनके हस्बैंड की, उनके जो बेटे की मृत्यु हुई, एट तपोवन शी मेट होली संत बालंदा ब्रह्मचारी हु एडवाइज हर टू कंस्ट्रक्ट दिस टेम्पल। अब इनको दुख भी था, इस रानी को बहुत ज़्यादा दुख था, हालांकि ये पूरे किंगडम की रानी थी, बट इनके हस्बैंड की और जतिंद्र घोष इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो अब ये शांति की खोज में आगे निकल पड़ती हैं। जब वो तपोवन पहुंचती हैं तो ये एक ऋषि से मिलती हैं, बालंदा ब्रह्मचारी से, जो उनको एडवाइस करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप ये टेंपल नौलखा टेंपल बनाइए, ठीक है, ओके। आगे ये हमने जितना भी पिलग्रिमेज स्पिरिचुअल टूरिज्म है, जितने भी ये चीज़ें हैं वो सब हमने देख ली, जो आगे की वीडियो पार्ट रहेगी उसमें हम क्या करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखिए क्या करते हैं, दसम फॉल, जो भी वाटरफॉल्स टूरिस्ट प्लेस हैं, अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट में वही जितनी भी फॉल्स हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं, या क्योंकि जो जैसे
बहुत सारे वाटरफॉल के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे बहुत सारे प्रीलिम्स में इंडिया में कौन सा वाटरफॉल है, वैसे झारखंड के उसमें प्रीलिम्स में कौन सा फॉल कहाँ पर स्थित है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये फॉल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। बहुत सारी फॉल्स हैं, हिरनी फॉल्स हैं, ये तो ये फॉल्स हो जाएंगी। उसके बाद वाटरफॉल्स इतनी सारी होने के बाद उसके बाद हम जो पांच कैटेगरी है उन सबको डिस्कस करेंगे। हिल स्टेशन हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर स्पॉट टूरिस्ट प्लेस है, कौन कौन से वाटर स्पॉट हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सी है, और सबसे लास्ट में जो पॉलिसी है टूरिज्म से लेकर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं जो इस पूरे वीडियो पार्ट में है, अभी इसके बाद जब ये लास्ट वीडियो पार्ट ख़त्म होगा टूरिज्म के बेसिस पर, उसके बाद हम कुछ आई थिंक टूरिज्म के बाद या एक और हम वीडियो लाएंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगी झारखंड की। उसके बाद हम कुछ मेंस के भी, जैसे हमने क्वेश्चन दिखाए थे उसमें प्रीलिम्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मेंस के क्वेश्चन जो हमने पूरी स्क्रीनशॉट ले रखी थी आपके लिए कि हाँ मुंडा ट्राइब और संथल ट्राइब के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उस बेसिस पे भी आपको मेंस, हालांकि पहले पूरे टॉपिक करवाएंगे और फिर उसके बाद जो कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे जो जीके होगी रिसेंट। देखिए झारखंड का जब भी पीएससी आने वाला होगा उससे पहले भी हम आपको झारखंड की जो जीके है वो तो हम कराएंगे कराएंगे, उसके साथ साथ पहले उसके मेंस के और प्रीलिम्स के किस तरह से झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। आर्ट एंड कल्चर आई थिंक हम कराएंगे, आर्ट एंड कल्चर, यस टूरिज्म है उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, वैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कौन सी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पार्ट में तो हम इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो पार्ट में जो वाटर स्पॉट है और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जो टूरिस्ट से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ जो भी झारखंड एस्पिरेंट हैं, उनको बताइए कि हाँ फ्री स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये फ्री कोर्सेज चल रहे हैं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।